हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 4K और 8K वीडियो टेस्ट करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M21 और शाओमी पोको X2 के बीच में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यार, अगर आपको नहीं पता कि 4K और 8K वीडियोस क्या होते हैं, इनका रेजोल्यूशन क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। और अगर आपको पहले से ही पता है तो सिंपली आप वीडियो को कुछ सेकंड्स स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो HD वीडियो का रेजोल्यूशन होता है वो होता है 1280x720 पिक्सल्स का, और जो फुल HD वीडियो होती है उसका रेजोल्यूशन होता है 1920x1080 पिक्सल्स का। मतलब हमारी जो फुल HD वीडियो का रेजोल्यूशन होता है वो HD वीडियो का डेढ़ गुना होता है। अब जो 2K वीडियो होती है उसका रेजोल्यूशन होता है 2560x1440 पिक्सल्स का, और इसका रेजोल्यूशन HD वीडियो का दुगुना होता है। अब जो हमारी 4K वीडियो है उसका रेजोल्यूशन होता है 3840x2160 पिक्सल्स का, और इसका जो रेजोल्यूशन है वो हमारे HD वीडियो का तीन गुना होता है। अब जो 8K वीडियो होती है उसका रेजोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा 7680x4320 पिक्सल्स का होता है, और इसका जो रेजोल्यूशन है वो हमारे HD वीडियो का छः गुना होता है। अब हम दोस्तों जान लेते हैं दोनों ही डिवाइसेस की स्पेक्स। दोस्तों, अब बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M21 की। दोस्तों, गैलेक्सी M21 में हमें 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। अब इस डिवाइस की डिस्प्ले की जो खास बात है वो ये है कि इसकी जो डिस्प्ले है वो सुपर एमोलेड है। मतलब इसकी जो डिस्प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट है, काफ़ी पंची कलर्स हमें इसकी डिस्प्ले में देखने को मिल जाते हैं। चिपसेट की बात करें तो इस डिवाइस में हमें सैमसंग की ओर से ही एक्जिनोस 9611 चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी पावरफुल चिपसेट है और 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बना है। इसमें हमें 2.3 GHz तक की मैक्स क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाती है। दोस्तों, पोको X2 में हमें मिलती है 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली IPS डिस्प्ले, जिसकी खास बात यह है कि इसमें हमें 120 Hz की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है। अब रिफ्रेश रेट क्या होती है तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि जो हमारे फोन की डिस्प्ले होती है वो पर सेकंड रिफ्रेश होती है। अब जो नॉर्मल डिस्प्ले होती है उसकी रिफ्रेश रेट 60 Hz होती है, इसलिए वो पर सेकंड 60 बार रिफ्रेश होती है। अब इस डिवाइस की जो डिस्प्ले है उसकी रिफ्रेश रेट 120 Hz है, मतलब इस डिवाइस की जो डिस्प्ले है वो एक सेकंड में 120 बार रिफ्रेश होती है। इसीलिए हमें बहुत ही ज़्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस इस डिवाइस की डिस्प्ले में देखने को मिल जाती है। चिपसेट की बात करें तो इस डिवाइस में हमें क्वालकॉम की ओर से स्नैपड्रैगन 730G चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी पावरफुल चिपसेट है और 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बना है। इसमें हमें 2.2 GHz तक की मैक्स क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों, जो वीडियो टेस्ट है वो दो राउंड्स में होगा। फर्स्ट राउंड में हम दोनों ही डिवाइसेस में 4K वीडियो प्ले करेंगे और सेकंड राउंड में दोनों ही डिवाइसेस में 8K वीडियो प्ले करेंगे। अब चलिए दोस्तों, देख लेते हैं फर्स्ट राउंड को। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि यार, दोनों ही डिवाइसेस में जो वीडियो प्लेबैक है काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। सैमसंग M21 में सुपर एमोलेड डिस्प्ले, इसलिए वीडियो में जो कलर्स है काफ़ी ज़्यादा आकर्षक लग रहे हैं। और जो पोको X2 इसमें 120 Hz की रिफ्रेश रेट होने के कारण जो स्मूथनेस आ रही है ना यार, वो कमाल की लग रही है। एक अलग ही प्रकार का फ्लो हमें इस डिवाइस में देखने को मिल रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 4K वीडियो टेस्ट में हमारे दोनों ही डिवाइसेस की जो परफॉर्मेंस है नज़ारा एकदम गजब की है। इस राउंड में हमारे दोनों ही डिवाइसेस ने अपनी अपनी जगह बेस्ट परफॉर्मेंस दी। अब आपको कौन सी डिस्प्ले ज़्यादा पसंद आई, सुपर एमोलेड सैमसंग M21 की या 120 Hz रिफ्रेश रेट वाली पोको X2 की, ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब चलिए दोस्तों, देख लेते हैं सेकंड राउंड 8K वीडियो टेस्ट को। We'll be right back.
दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हमने दोनों ही डिवाइसेस में सेम ऐड के वीडियो प्ले किया और हमने इस वीडियो को दोनों ही डिवाइसेस में सेम एप्लीकेशन गूगल फोटोज में ओपन किया। अब सैमसंग M21 ने इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से प्ले किया, जबकि पोको X2 इसे प्ले नहीं कर पाया। दोस्तों वैसे हमने पोको X2 में अलग अलग दो तीन वीडियो प्लेयर और इंस्टॉल किए और उसमें भी इस वीडियो को प्ले किया, लेकिन फिर भी केवल ऑडियो ही सुनाई दे रही थी, वीडियो दिखाई नहीं दे रहा था। दोस्तों वैसे 730G चिपसेट यार प्ले तो हो जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ। तो इस प्रकार हमारे वीडियो टेस्ट के सेकंड राउंड का विनर सैमसंग गैलेक्सी M21 हो जाता है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने सैमसंग गैलेक्सी M21 और शाओमी पोको X2 के बीच वीडियो टेस्ट देखा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज को देखने के लिए अपने भाई के चैनल VL टेक्निकल को सब्सक्राइब कर घंटी बजा दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।